तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। ओम शांति। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। तो सीजन 2 समाप्त हुआ और इस सीजन को इतना प्रोत्साहन और प्रेम देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी ने इतना उमंग उत्साह बढ़ाने वाले कमेंट्स किए, इतने अच्छे अच्छे फीडबैक दिए, जिससे हम सभी को इस कार्यक्रम को और भी अच्छी रीति से आगे बढ़ाते रहने की प्रेरणा मिलती है। अभी तक आप लोग हमारे मेहमानों से मुलाकात करते आ रहे हैं और उनको उनके अनुभवों का लाभ लेते आ रहे हैं। अब हम आपको एक बार फिर से मिलवाते हैं कैमरा के पीछे की टीम से। तो आज हम मिलेंगे मेरा बाबा मेरा अनुभव के क्रू मेंबर से। तो चलिए मिलते हैं। ओम शांति। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरा बाबा मेरा अनुभव के इस कार्यक्रम में। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, आज हमारे साथ हैं सभी क्रू मेंबर्स, जो ये सेवा चल रही है उसके पीछे की टीम। तो आप सभी को जानते ही हैं, आपने 14 एपिसोड्स देखे होंगे और उसे पसंद भी किया होगा, उनसे प्रेरणा भी अवश्य ली होगी। आज हम सभी के न्यू लर्निंग्स न्यू एक्सपीरियंसेस को जानते हैं। हमारे साथ हैं हमारे कैमरामैन अशोक भाई, रोहित भाई जो सेट मैनेजमेंट देखते हैं, सोनू भाई जो रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं सारे, हमारी कुसुम बहन जो सभी को तैयार करते हैं और स्टेज पर देखते हैं कि सब सही है, हमारी दीक्षा बहन जो स्क्रिप्ट देखती हैं और न्यू आइडियाज़ लेकर के आती हैं, और मैं एडिटिंग देखती हूँ, ग्राफिक डिज़ाइनिंग। तो हम जानते हैं कि सभी के अनुभव क्या रहे इस नए सीज़न में, सबकी क्या नई लर्निंग्स रही और क्या नई अनुभूतियाँ रही। तो शुरू करते हैं अशोक भाई से, जो पिछली बारी हमारे साथ शूटिंग में तो थे लेकिन जो क्रू वाला एपिसोड था उसमें नहीं थे। तो आज हम इनसे जानते हैं कि क्या इनके स्पेशल एक्सपीरियंसेस रहे इस सेवा में। अशोक भाई। ओम शांति। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं लौकिक में भी फोटोग्राफर हूँ और अलौकिक में भी। मेरे इस टैलेंट को बाबा ने यहाँ पे यूज किया है और मेरे को बहुत ही उमंग उत्साह रहता है कि मैं बाबा के घर में जाकर दीदी की मुरली रिकॉर्ड का करना और यहाँ पर शूट करना, सारा मुझे बहुत अच्छा लगता है। और लोग यहाँ से शूट करने के बाद जब मैं लौकिक में जाता हूँ तो मेरे को बहुत एनर्जी मिलती है इस चीज़ की। मेरे पूरी रात जाग जा के वो काम वहाँ पर करना पड़ता है। सब शूट करने के बाद अगले दिन भी मुझे उमंग ये रहता है कि मैं जल्दी से जल्दी वहाँ पर जाऊँ और यहाँ पर आकर शूट करूँ। तो मेरा बाबा मेरा अनुभव की सीरीज़ को आप देख रहे होंगे, आप लोगों का हमें बहुत प्यार मिल रहा है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू अशोक भाई, आपने बहुत अच्छा अपना लौकिक और अलौकिक फोटोग्राफी का अनुभव सुनाया। रोहित भाई, आप क्या बताना चाहेंगे कि इस सीज़न में आपको क्या न्यू एक्सपीरियंसेस न्यू चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े उसके साथ? ओम शांति। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत थैंक्स। सीजन 2 को आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, जैसे हमारा सीजन 1 सक्सेसफुल था तो आप लोग इसको बहुत देख रहे हैं और सबके अच्छे फीडबैक्स आते हैं। हम और भी कोशिश करके आगे और भी इम्प्रूवमेंट करेंगे। इसमें हम लोगों ने कोशिश करके कुछ नए इम्प्रूवमेंट्स डाले हैं, आप लोगों ने देखा होगा। हमने ऐसे गेम्स डालने की हमने कोशिश की कि जिससे हम और भी अच्छे से जान सकें। बात वही है, अंदाज हमने बदला है सिर्फ थोड़ा सा, कि गेम के थ्रू भी हमने रैपिड फायर भी लिया, आपने देखा कि उसके थ्रू भी हम जाने कि आप कौन सी दादी आपको फेवरेट है। वैसे तो दोनों दादी हमारी फेवरेट है लेकिन आपको आपको दादी गुलजार ही क्यों पसंद है, हम सब ने देखा सुदेश दीदी को। ऐसे ही हमने सबसे हमने वो और भी राउंड लिए, हमने सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे हैं कि भूकंप आ जाए तो क्या करोगे आप। तो ये हमारा हमारा एक हम लोगों के योग में एक ये एक विषय है, मैं तो इसको प्रैक्टिस करता हूँ, केस स्टडी कहते हैं हम इसको, कि हम एक आर्टिफिशियल केस क्रिएट करते हैं और उसके लिए खुद को इम्यून कर लेते हैं। जैसे हमको वैक्सीन लगती है ना, वैसे ही हम ये एक हमारा एक, इसको भी हम योगाभ्यास में ही काउंट करते हैं कि कोई भी ऐसी सिचुएशन जिससे आप डरते हो उसको बुद्धि से क्रिएट किया, इमेजिन किया, उसको जी करके आ गए। तो ये हमने ये भी कोशिश की, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी डाले और हमने वर्चुअल पे भी आपने देखा होगा हमने सविता बहन से भी लिया, हमने क्विज भी लिया, हमने पंजाबी एपिसोड भी डाला है। तो ऐसे हम कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे हैं
ये करने की, तो आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखे हमारे पे और हमको मोटिवेट करते रहे। आप लोग सब हमको मोटिवेट करते हैं तो हमको और भी प्रेरणा आती रहती है। आप ऐसे ही मोटिवेट करते रहे, हम आगे और भी अच्छा कंटेंट लेकर के आएंगे। ओम शांति। थैंक यू रोहित भाई। सोनू भाई आप भी बताइए कि हमारे सभी भाई बहन आए, उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया, क्लास के सभी स्टूडेंट्स को जैसे चांस मिल रहा है, तो आपने उनसे क्या स्पेशल सीखा इस सेवा से? सबसे पहले तो मैं आप सबका ओम शांति करना चाहूँगा और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपका इतना प्यार मिल रहा है हमारी मेरा बाबा मेरा अनुभव की इस टीम को। सुबह मॉर्निंग में हम अमृत वेला करते हैं तो एक इत्था ज़रूर आता है कि हमारा अमृत वेला बाबा जी दुआएं जरूर करते हैं कि बाबा हमारा जो एपिसोड है इसे बहुत अच्छे से चलाना, आपका एपिसोड है और आप साथ चलना, आपको ही चलाना है। तो हम बाप को साथ लेकर ये प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो बहुत खुशी होती है। मैं देखता हूँ जितने भी हमारे मेंबर हैं सब बहुत खुशी से सेवा करते हैं और मैं उनके चेहरों को देखता हूँ तो मुझे बहुत खुशी मिलती है उनको चेहरे देख के, क्योंकि उनके चेहरे पर थकान नहीं है, कुछ नहीं है, सब एकदम बाबा की याद में। जब भी हम स्टार्ट करते हैं पहले 5 मिनट बाबा को याद करते हैं उसके बाद स्टार्ट करते हैं तो ऐसा लगता है सब हम नहीं कर रहे, बाबा ही कर रहा है सब कुछ। जितने भी हमारे बहन भाई हैं उन सब की दुआएं हमारे साथ हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो मेंबर हैं उनको इतनी शक्ति मिलती है, जैसे कि अभी अशोक भाई ने बताया कि मैं पूरी रात जाग कर अपनी लॉगिंग में जाता हूँ, जैसे शादी में जैसे वीडियोग्राफी बना करते हैं, तो ये अभी उनका अनुभव है, ये अनुभव मेरा भी है कि आप लोगों का ही ये आशीर्वाद है जो हमें इतनी शक्ति मिल रही है। बाबा तो खैर साथ है ही हमारे, लेकिन हमें आपकी दुआओं की भी बहुत ज़रूरत है। अच्छा ओम शांति, इतना ही कहना चाहूँगा आपसे। बहुत सुंदर सोनू भाई, बहुत अच्छे से आपने बताया। कुसुम बहन आप कुछ बताना चाहेंगे? ओम शांति सभी को। बहुत अच्छा लगा पहले की तरह, बट हाँ कुछ इस बार कुछ नए एक्सपीरियंस हैं। हमेशा ही अच्छा लगता है सेवा कर। और सोनू भाई जी की मैं एक बात और कवर करना चाहूँगी, बाबा की ब्लेसिंग्स तो हम सबको मिलती ही हैं, लेकिन जितने भी यहाँ गेस्ट आते हैं उनकी भी हमें बहुत बहुत ब्लेसिंग्स मिलती हैं, तो वो सब बहुत अच्छा लगता है। लौकिक में अगर बच्चा माँ बाप से कुछ मांगे और वो चीज़ पूरी ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो ये तो पारलौकिक बाप है। मैंने ऐसी बहुत सी चीज़ें जब जब बाबा से कही हैं, रखी हैं बात, मेरी हर चीज़ पूरी हुई है। तो मैंने बाबा से यही कहा था कि बाबा मैं बस आपकी सेवाओं में व्यस्त रहूं, यही मेरी चाहना है, और वो मेरी चाहना भी पूरी हो गई है। तो वो मुझे एक्सपीरियंस शेयर करना था। सो थैंक यू सो मच सभी को। थैंक यू कुसुम बहन। थैंक यू। अब दीक्षा बहन आप भी अपना अनुभव बताएं। ओम शांति। बहुत अच्छा ये सीरीज़ जो शुरू हुआ है हमारा, एपिसोड 1 to 14 हम सभी ने देखा और ये सीज़न 2, तो शुरुआत में ही सीज़न 1 ख़त्म होते ही उमंग उत्साह आ गया था, सभी पूछने लगे थे कि अब और कब आ रहा है, और कब आ रहा है। तो एक मधुबन ब्रेक के बाद हम सभी ने सेकंड सीज़न शुरू किया और शुरू करते से ही कुछ संकल्प थे कि दिसंबर एंड में हम लोग कर रहे हैं ये सेवा, तो कोशिश करके 31 दिसंबर हमारा लास्ट टारगेट था कि उस दिन तक सभी की सभी शूट्स हो जाएं। तो भले कुछ समय ज़्यादा लगेगा लेकिन बाबा की मदद, सभी का उमंग उत्साह और सभी की ब्लेसिंग्स, दीदी भाई साहब की और पूरे परिवार की ब्लेसिंग्स, उस वजह से ये एपिसोड्स जो थे ये सभी लास्ट दिन दिसंबर तक के पूरे हो गए थे। और आज भी 31 दिसंबर ही है और हम लोग इस शूट को पहले ही कर रहे हैं, ताकि एक ही लक्ष्य शुरुआत से ही इसमें आ गया था टीम की तरफ से ही कि हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम पूरा जनवरी मास जो अव्यक्त मास है उसमें हम सिर्फ तपस्या पर ध्यान दें, क्योंकि 5-6 घंटे भी यहाँ लग जाते हैं तो फिर हमारी तपस्या का समय हमें साथ साथ मिले। इस लक्ष्य से हमने एक भी शूट जनवरी मास में नहीं रखा। तो ये जो एक थॉट था बाबा ने इसको पूरा कराया और हमें इस जनवरी मास में पूरा इस यही लक्ष्य है कि बहुत अच्छे से हम सब तपस्या करें, बहुत अच्छे से इस मास का बेनिफिट लें। और इस सीज़न की एक और ब्यूटी थी कि
जो पिछले सीज़न भी थी कि हमने डिफरेंट होस्ट रखे, आप सब ने हमें नहीं देखा है इस बार, और ये बहुत ही अच्छा था क्योंकि इसमें हम सभी फ्रेश फेसेस को देख रहे हैं और ये सब की जो अपनी अपनी ब्यूटी थी, अपनी अपना अंदाज था, ये सब बहुत अच्छा लगा और आप सब ने भी इसको बहुत पसंद किया। तो ऐसे ही ब्लेसिंग्स देते रहिए और हम और भी गेस्ट ऐसे ही लाते रहेंगे और हम दोबारा से ऐसे आते रहेंगे। हम चाहेंगे कि दिवांशी बहन भी जो हमें होस्ट कर रही हैं वो भी अपना अनुभव ज़रूर हमें बताएं। बहुत सही कहा दीक्षा बहन ने कि हमें सारे शूट्स 31 दिसंबर से पहले कवर करने थे ताकि हम जनवरी में अच्छे से तपस्या कर सके। इसके लिए हमने एक दिन में 4 शूट्स भी लिए और एक शूट जो था जयप्रकाश भाई जी का, वो तो हमने सुबह 6 बजे भी लिया। एक वैसे तो हम कभी कभी लेट हो जाते हैं लेकिन उस दिन सभी इतने उमंग उत्साह में थे, सब आए और अच्छे से सारा टेक लिए। और सभी जो हमारे गेस्ट हैं, कुछ गेस्ट गुड़गांव से भी आए इस बारी, गुड़गांव स्पेशल, सतीश कपूर भाई जी, प्रदीप भाई, निशा बहन, और कुछ को वेट भी करना पड़ा तो उन्होंने अच्छे से कोऑपरेट किया बहुत ही धैर्य होकर के, और हमें जाते हुए ब्लेसिंग्स भी दे करके गए। तो उन सभी गेस्ट का भी बहुत ज़्यादा थैंक्स कि वो आए, अपना अनुभव शेयर करें हम सभी के साथ। और हम और इस सेवा का रिटर्न यही है कि हम अच्छे से और तीव्र होएं अपने पुरुषार्थ में और अच्छे से तपस्या करें। तो थैंक यू। ओम शांति। अब मेरा बाबा मेरे अनुभव की टीम आप सबसे आज्ञा लेती है। अब शिवरात्रि के बाद मिलते हैं आपसे सीजन 3 में। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। जिसे पाकर न पाना कुछ शेष रह जाए, पाके इतना बाबा अपना दिल अब तो गाए, साथ अपने है जग का जो रखवाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला। तेरी आँखों से पीते हम हैं अमृत प्याले, बड़ी जतन से छुपा कर नजर में हो पाले, तुम्हारे याद के मोती गले की माला, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा मेरा।